हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेज एंड जॉब ट्रेलर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि ACSIR की तरफ से आया है, जिसमें आपसे डिस्कस करेंगे डिफरेंट PhD पोजिशन की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो अभी तक अपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ACSIR है उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट है वो अफिलेटेड है। अब अफिलेटेड होने के बाद क्या है, ये मोस्टली जो PhD पोजीशंस को टू टाइम्स निकालता है, एक विंटर सेशन एक समर सेशन में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेशन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सेशन अगस्त 2021 और सेशन जनवरी 2022, तो ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने दो जो सेशन है उसमें PhD स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंट ACSIR इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे। तो देखिए, अगर आप इसके लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको न्यू यूजर साइनअप यानी वो साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप करने के बाद आपका जो है यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद जो है आप इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगस्त सेशन 2021 की। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें स्टार्ट डेट की, तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर 2020 ऑलरेडी हो चुकी है, और जो लास्ट डेट है सबमिट करने की वो 31 मई है। ये उन लोग के लिए जो इंजीनियरिंग में PhD करना चाहते हैं, और उनका जो एलिजिबिलिटी रहेगा वो ME या MTech रहेगा। अगर बात करें यहाँ PhD साइंसेस के लिए, तो यहाँ पे भी स्टार्ट डेट 15 अक्टूबर 2020 थी, और जो लास्ट डेट वो 31 मई 2021 है PhD साइंसेस वालों के लिए। ऐसे ही जो है इंजीनियरिंग में IDDB के लिए भी है सेम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं MSc या MTech के लिए भी यहाँ पे सेम डेट जो है वो मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद अपना जो आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप जो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें PhD कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप PhD करना चाहते हैं साइंसेस में, तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में, और आपका वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप होना चाहिए, यानी कि आपका CSIR UGC GRF होना चाहिए, या आपका DBT GRF, या आपका DST Inspire या RGNF फेलोशिप, आपका खुद का फेलोशिप होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फेलोशिप मस्ट है। उसके अलावा अगर स्पॉन्सर्ड PhD साइंसेस के लिए, तो यहाँ पे देखिए जो है आपको अटैच कर दिया जाए कुछ यूनिवर्सिटी कुछ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ, और वहाँ पे जो है आपको इंडस्ट्री जो है वो पैसा देगी आपका PhD करने के लिए, ठीक है। तो इस वे में भी जी अपना जो PhD साइंसेस वो मेक कर सकते हैं। और कुछ में ऐसा होता है कि कुछ लैब्स में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फंडेड रहते हैं, तो अगर आपका नेट या गेट क्वालिफाई है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से जो है पैसा वो ले सकते हैं। अब बात करें पैसे की, तो जो भी आपको पैसा मिलेगा वो इक्विवेलेंट मिलेगा CSIR GRF या SRF के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पैसा आपको सेम मिलेगा। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD इंजीनियरिंग स्पॉन्सर PhD इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आपको देखिए नेट GRF होना कंपलसरी है, जैसा हमने आपको ऑलरेडी बताया, या इंस्पायर फेलोशिप आपका होना जरूरी है, तो ये सब ऑलरेडी मैं आपका डिस्कस कर लिया हूँ। ऐसे इंटीग्रेटेड एमटेक PhD प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पे जो है पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको जिस भी चीज़ में PhD करने, चाहे साइंसेस हो चाहे इंजीनियरिंग में, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ACSIR सेंटर्स के, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सी ACSIR सेंटर्स है, तो जैसे जितने भी लाइक CSIR इंस्टीट्यूट है, जैसे आपको CDRI हो गया, NBRI हो गया, ठीक है, CMAP हो गया, तो ये सब जो है CSIR इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे आप जो है एडमिशन आपको मिलेगा ACSIR के थ्रू, ठीक है। अगर हम बात करें इंटेक की, तो देखिए यहाँ पे टेंटेटिव इंटेक की भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इजिली, ठीक है। टेंटेटिव इंटेक भी आप देख सकते कि किस लाइक इंस्टीट्यूट में कितना वैकेंसीज है। उसके अलावा अगर आप बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी ACSIR इंस्टीट्यूट के लिए। तो अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की, तो आई थिंक मेरा नेट थोड़ा स्लो हो गया है जिसकी वजह से, हाँ। तो देखिए यहाँ पे ACSIR ऑनलाइन एडमिशन, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट DSSI इंस्टीट्यूट, चाहे वो CBRI हो, चाहे CCMB जो कि हैदराबाद में, CDRI लखनऊ में है, CFTRI मैसूर में, CMAP लखनऊ में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट CSIR इंस्टीट्यूट यहाँ मेंशन कर रखे हैं। तो ऑलमोस्ट 44 इंस्टीट्यूट यहाँ उन्होंने मैसेज कर रखे हैं, और यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि PhD साइंसेज रेगुलर में ले रहे हैं इन इंस्टीट्यूट में, PhD एडमिशन लाइक PhD की वैकेंसीज फ्री हैं कि नहीं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे CCMB में देखिए यस PhD रेगुलर में भी है लेकिन स्पॉन्सर्ड नहीं है। वहीं का बात है CDRI में, तो यहाँ पे देखिए रेगुलर में भी यहाँ PhD अवेलेबल है और स्पॉन्सर्ड में भी। तो यहाँ पे आपके पास अगर नेट GRF नहीं, अगर GRF नहीं है तब भी आपको यहाँ पे इंडस्ट्री से अटैच करके आपको सेम स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है आपका MSc में भी यही है,
देखिए यहाँ पे, देखिए आप बात करें CFTRI की, तो यहाँ पे क्या होता है, MSCB CFTRI जो है वो कराता है। तो यहाँ पे देखिए MSC और MB यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, रेगुलर और स्पॉन्सर्ड बेस्ड पे, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं IDDB, MTech एंड PhD इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट्स में वैकेंसीज हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा देखिए, अगर आप हम बात करें अगर यहाँ पे CSI लैब्स की, तो ये पूरा यहाँ पे जो है लैब्स यहाँ मेंशन कर रखा है, ठीक। लैब कोऑर्डिनेटर देखने को मिला, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेबसाइट यूआरएल। तो अगर आप स्पेसिफिक जो है वेबसाइट देखना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट CSI इंस्टीट्यूट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरा CSI इंस्टीट्यूट का यहाँ पे डिटेल दिया गया है। आई थिंक मे बी ऑलमोस्ट 43 या 44 जो यहाँ पे लाइक CSI इंस्टीट्यूट है, सबका डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा और तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड, आप तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे फैक और फी स्ट्रक्चर भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आप फी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। और इसके अलावा कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी यहाँ मेंशन कर रखे हैं, तो आप वो भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप फी स्ट्रक्चर मेंशन कर रखा है कि अगर आप PhD साइंस में फुल टाइम करना चाहते हैं तो 8,000 आपका रहेगा पर सेमेस्टर, ठीक है। वहीं अगर स्पॉन्सर्ड या सेमेस्टर या डेवलप स्पॉन्सर्ड अगर आपका PhD है, तो आपके यहाँ पे 16,000 रहेगा। ऐसे यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट हैं या हम बोल सकते डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, सब में यहाँ पे फी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। चाहे वो मास्टर लेवल की हो, चाहे वो आपका PhD की हो, ठीक है। तो सबकी यहाँ पे फीस जो है वहाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप फी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।